चलिए प्रॉब्लम को देखते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहला ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, ये एक रेशनल फंक्शन है। ठीक है, एंड नंबर टू, रेशनल फंक्शन जो है आपका वो इम्प्रॉपर भी हो सकता है और प्रॉपर भी हो सकता है। ये प्रॉपर है, क्यों प्रॉपर है? क्योंकि डिनोमिनेटर की जो डिग्री होगी वो न्यूमरेटर से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है। ठीक है, इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको कैसे किया जाए? तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप सीखोगे कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में जब भी हम प्रॉब्लम करेंगे तो सबसे पहले ये थोड़ा सा यूज़ होता है, टाइम टेकिंग होता है, तो आपको कुछ एंकर पॉइंट्स होते हैं, मतलब आपको इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला काम होता है आप कि जब भी आपके पास क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं तो सबसे पहले आप पार्शियल फ्रैक्शन पे फोकस करते हो, तो दैट इज़ वन ऑफ द एंकर पॉइंट। एंड सेकेंड आपका क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे आप इंडिविजुअली, जनरली आपका लॉगरिथम फंक्शन आता है। एंड थर्ड वन इज़ कि आफ्टर दैट, जब इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाता है, इंटीग्रेशन ख़त्म होने के बाद जो फाइनल प्रोसेस बचता है वो आपका होता है सॉल्विंग, है ना, या सम अप करना, या यूं कहें कि रिकलेक्ट करना, आंसर को सही से एक्सप्रेस करना। और वहाँ आपको ज़रूरत होती है लॉग के प्रॉपर्टी की, लॉग एम माइनस लॉग एन, आप लॉग एम अपॉन एन लिख सकते हो, लॉग एम प्लस लॉग एन अगर लिखा हुआ तो लॉग एम इंटू एन लिख सकते हो, या सम पावर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कोई बड़ी नहीं होती हैं। तो आपके देर आर थ्री एंकर पॉइंट्स। पहला एंकर पॉइंट हो गया आपका जस्ट डू द पार्शियल फ्रैक्शन, सेकेंड आपका हो गया इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेशन बीच में सिर्फ आता है, एक आपका एक प्रोसेस होता है, एक एंकर पॉइंट होता है। एंड थर्ड वन कि जो आंसर आया है उसको रिकलेक्ट करके आंसर को सही से एक्सप्रेस। चलिए देखते हैं हम तीनों एंकर पॉइंट्स को कैसे हैंडल करते हैं। और जब भी आप हैंडल करिए तो किसी एक एंकर पॉइंट को हैंडल कर रहे हो तो बाकी दो के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, अपने दिमाग पर बिल्कुल लोड मत डालिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा है इसे पार्शियल फ्रैक्शन मतलब स्मॉलर फ्रैक्शन में ब्रेक करना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे लीनियर फैक्टर है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी कि इंडिविजुअल लीनियर फैक्टर हो, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हो, या कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो सकती है, वो भी दो टाइप की हो सकती है, फैक्टराइजेबल हो नॉन फैक्टराइजेबल हो। ये कैसे डिसाइड करेंगे कि फैक्टराइजेबल है या नॉन फैक्टराइजेबल, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, दैट मीन्स रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं उसके, तब तो वो फैक्टराइजेबल होगी, अदरवाइज वो क्या होगी, नॉन फैक्टराइजेबल होगी। खैर, यहाँ तो क्वालिटी का बात है नहीं, ये सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। खैर, यहाँ पे लीनियर फैक्टर है तो हम लोग यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट ए एज्यूम करते हैं, ए अपॉन द लीनियर फैक्टर एंड प्लस बी अपॉन अदर लीनियर फैक्टर एक्स प्लस टू। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। उससे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा, ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब होता है द एक्सप्रेशन विच इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, जो हर एक्स के लिए एक्सप्रेशन ट्रू हो। इसका मतलब इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, ए और बी निकालने के लिए आपके पास सेवरल तरीके, दो या तीन तरीके, आप तीन तरीके होते हैं, है ना। तो जो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होगा हम उस तरह से चलेंगे। हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी कि इस तरह से हम निकाल लेते हैं पहले तरीके से तो उस तरह से निकाल लेंगे दूसरे से। आपको इस एक्सरसाइज में इस लिस्ट प्लेलिस्ट को करते हुए सारी चीज़ें सीख लेनी है, हम सारी चीज़ें हैंडल करेंगे। ठीक है, खैर यहाँ से हम लोग पहले इस x प्लस वन एक्स प्लस टू से पूरी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x ये उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, a टाइम्स x प्लस वन टाइम्स x प्लस टू ओवर x प्लस वन। फिर इधर भी मल्टीप्लाई होगा, b टाइम्स x प्लस वन x प्लस टू ओवर क्या हो जाएगा आपका, x प्लस टू हो जाएगा। ये एक ब्रैकेट यहाँ कैंसिल होगी और एक यहाँ कैंसिल होगी, जो बचेगा एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हम लोग डायरेक्ट किया करेंगे, यहाँ हमने आपको दिखा दिया कि क्या चीज़ मल्टीप्लाई करी और क्या चीज़ बचा आपका। तो यहाँ से x प्लस टू को हम हटा देते हैं। ठीक है, अब नाउ ये पहले भी आइडेंटिटी और आइडेंटिटी थी, अब भी ये आइडेंटिटी पड़ी हुई है, तो क्या किया जाए, देर आर टू मेथड्स, है ना, कि हम एक्स के कोफिशियंट कंपेयर कर ले दोनों साइड में। ठीक है, वहाँ से इक्वेशंस बनाएं जो आपको शायद पता हो, है ना, आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं वो टीचर हो सकते हैं, पेरेंट्स, जो भी आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हो वो शायद बताए हो, अगर नहीं बताए कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ सीख लेंगे। हम जाते हैं मिनिमम टाइम पाथ के थ्रू जाते हैं, क्या करते हैं, चूँकि आइडेंटिटी है किसी वैल्यू के लिए ट्रू है तो क्यों ना हम एक्स प्लस वन को जीरो प्लेस कर दें, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू माइनस वन प्लेस कर दें। और जब माइनस वन प्लेस करोगे तो बी अब्सेंट हो जाएगा एक्सप्रेशन से और इंडिविजुअली ए बचेगा जिसकी वैल्यू आपके पास
आ चुकी होगी, और जब बी निकालना होगा तो हम ए को एब्सेंट कराएं। इसे एब्सेंट कराने के लिए कोफिशिएंट जीरो कर दें, मतलब एक्स की वैल्यू माइनस टू प्लेस कर दें, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट या पुटिंग वैल्यू, पुटिंग एक्स इक्वल्स टू से माइनस टू, बी निकल जाएगा यहाँ से, तो क्या करोगे आप, माइनस टू इक्वल्स टू ए टाइम्स माइनस टू प्लस टू प्लस बी टाइम्स माइनस टू प्लस वन। तो ये तो जीरो हो गया है ना, ए एब्सेंट हो गया, यहाँ क्या आ गया आपका माइनस वन, मतलब माइनस बी, माइनस टू के इक्वल है। इसका मतलब बी यहाँ से क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा आपका टू, दैट इज द वैल्यू ऑफ बी। अब ए निकालना है तो बी को एब्सेंट कराना है, बी को एब्सेंट कराने के लिए उसके कोफिशिएंट को जीरो प्लेस करिए, ऐसे एक्स की वैल्यू प्लेस करिए जिससे ये जीरो बन जाए। तो उसके लिए एक्स इक्वल टू एक्स की वैल्यू हम लोग माइनस वन रख दें, है ना। तो पुटिंग एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, क्या आ जाएगा आपका, माइनस वन इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू माइनस वन रख रहे हैं तो ए माइनस वन प्लस टू, ठीक है, प्लस अब ये बी टाइम्स माइनस वन प्लस वन, वैसे लिखना नहीं चाहिए, जीरो ही आ जाएगा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ लिख रहे हैं। माइनस वन इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए, दैट मीन्स ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, माइनस वन आ गई, ठीक, जो आपको चाहिए थी। तो अब इस एक्सप्रेशन को हम पार्शियल फ्रैक्शन के टर्म में, ठीक है, आप इसके बाद लिखिएगा, हमारे पास नीचे स्पेस नहीं है, आप नीचे कंटिन्यू करिएगा। इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे ए की वैल्यू हम क्या रख देंगे, माइनस वन रख देंगे, और बी की वैल्यू क्या रख देंगे, टू रख देंगे, ठीक है। हम नीचे मान रहे हैं कि आप नीचे प्रोसीड कर रहे हो। अब इसे इंटीग्रेट करने का मतलब ये होता है कि यू आर इंटीग्रेटिंग दीज, ठीक है, टू रेशनल फंक्शंस, ठीक है। अब इंटीग्रेशन आपका क्या होता है, इंटीग्रेशन इज योर लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। तो क्या करेगा लीनियर ऑपरेटर, वो इंडिविजुअली इनको हैंडल करेगा या इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर लेगा, जैसे डिफरेंशिएशन आपका लीनियर ऑपरेटर होता है। तो क्या करें हम लोग, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये सेकेंड एंकर पॉइंट हम हैंडल कर रहे हैं, पहला हमारा जो पार्शियल फ्रैक्शन का था वो हम लोग कर चुके, टू कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए ये इंडिविजुअली इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस वन, ठीक है, प्लस टू टाइम्स लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस टू, और प्लस क्या हो जाएगा, इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी। या तो आंसर यहाँ छोड़ दीजिए, दैट इज आल्सो करेक्ट, लेकिन अगर रिकलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी लगा दें। देखिए यहाँ माइनस है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो नेक्स्ट स्टेप में आप करोगे, ये जो आप टू है ये पावर में जाएगा इसके, ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग एम जो भी है ये, है ना, और माइनस लॉग एन, तो लॉग एम अपॉन एन हो जाएगा, एम वो है एन ये हो जाएगा, तो इट कुड बी आल्सो रिटेन एज ए एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस वन, और पूरे को हम मॉड में डाल देते हैं, वैसे ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना, और प्लस सी। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी से आपका आंसर ये भी और ये भी, आप अपने आपके पास क्या आंसर अवेलेबल है आप मैच करा लीजिएगा, दैट इज़ फाइनल आंसर।